हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। और क्या बनाया है आज खाने में, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। आज मैं बताती हूँ मैंने क्या स्पेशल बनाया हुआ है आज खाने में। पर यार, अम्मा भी बता देंगे ना तो हमारा फिर आगे का जो सस्पेंस है ना वो ख़त्म हो जाएगा। पर फिर भी बता देते हैं, चलिए कोई नहीं। आज मैंने बनाई है मेथी मटर मलाई, है ना। आप लोग ज़रूर देखना। और साथ में और भी सब्जियां बनी हुई हैं, क्योंकि मम्मा के साथ क्या है कि मम्मा बहुत सादा खाना खा रही हैं आजकल, क्योंकि उनके गले में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। क्योंकि मेरी मम्मा को आज से करीब 19-20 साल पहले कैंसर हुआ था गले का। पर भगवान की बहुत बड़ी रहमत है कि कृपा है कि मेरी माँ बच गई। उन्हें कुछ भी फिर मतलब उस बीमारी से अब वो काफ़ी निकल चुकी हैं। उन्हें ऐसी कोई अब बीमारी नहीं है मेरी माँ को। वो सब वीडियो में मैंने बताया हुआ है। यदि आप लोगों को भी देखना हो तो आप लोग जाके मेरे वीडियोस में देख सकते हो कि मेरी माँ कैंसर से कैसे ठीक हुई थी आज से 20 साल पहले। आप लोग भी देखते हो कि मेरी माँ अभी पूर्ण रूपेण स्वस्थ दिखती हैं। वो बीमारी, हाँ अभी अब एज है तो थोड़ा बहुत तो सबके साथ लगा ही रहता है। और साथ में क्या है, थोड़ा सा बॉडी भी उनका हैवी है तो वो प्रॉब्लम भी उनको लगी रहती है। बाकी तो और कुछ नहीं है ना। वो तो खुश रहती हैं, मस्त रहती हैं। और मेरे जैसा उनका नहीं, मतलब यह बोलना चाहिए कि मैं मम्मी जैसी हूँ, है ना। मम्मी पर ही गई हूँ मैं टोटल, कि मुझे भी ऐसा है कि कुछ भी प्रॉब्लम है यार, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो तो एक पॉजिटिव एनर्जी हम लोगों को मिलती है हमेशा हंसने से। कितना भी देखो यार, सबकी लाइफ में बहुत गम है ना। ऐसा नहीं है, हमको ये लगता है ना कि वो यार हमसे कितना ज़्यादा सुखी है, वो कितना सुखी, कोई सुखी नहीं यार यहाँ पे। दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। तो ये चीज़ आप अपने दिमाग से निकाल दो कि वो हमसे बेटर लाइफ जी रहा है, बिल्कुल भी नहीं, है ना। कुछ ना कुछ उनको भी प्रॉब्लम हो सकती है, शारीरिक हो सकती है, मानसिक हो सकती है, किसी भी तरह का कुछ भी प्रॉब्लम उनको हो सकता है। इसलिए हर परिस्थिति में हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, है ना। और हमेशा आपके चेहरे पे जब स्माइल रहेगी ना तो सामने वाला जब बंदा आपसे बात करेगा तो वो भी सोचेगा यार ये तो हमेशा हंसती रहती है ना, हमेशा। और एक पॉजिटिव एनर्जी आती है उस चीज़ से। तो मेरी बात को ध्यान रखना। तो चलिए दोस्तों, तो वो जो चीज़ मैं बता रही हूँ वो तो आपको शाम को मिलेगा। अभी तो चलिए कुछ थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। बातें ये हैं कि दोस्तों, मुझसे सब लोग बोलते हैं कि तुम रेखा का साथ क्यों दे रही हो। देखिए, मैं रेखा का कोई साथ नहीं दे रही हूँ। अभी मैं आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ, रेखा भी मेरी कोई दुश्मन नहीं है, सपना भी मेरी दुश्मन नहीं है और अलका भी मेरी कोई दुश्मन नहीं है ना। ये मैं पहले भी क्लियर कर चुकी हूँ कि मेरा नेचर इन लोगों से बहुत अलग है। मैं दूर तक की सोच के चलती हूँ कि यार मैं ये चीज़ सोच रही हूँ रेखा के साथ, रेखा को लेके, कि ठीक है उसने जो कुछ किया उसका सब, उसने सारा माफ़ी मांगा हुआ, सब कुछ किया हुआ है ना। लेकिन मुझे बस इतना लग रहा है रेखा के साथ कि यदि हम लोग उसका परिवार जोड़ दें तो कितना अच्छा होगा, है ना। हम लोगों के कारण जुड़ जाए, हम लोगों के ये संदेश जो हम दे रहे हैं उन तक पहुंच जाए, उनके हस्बैंड तक, वो अपनी बच्ची को देख के वापस आ जाए, तो इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है ना। हम ये कह रहे हैं कि तोड़ने में विश्वास मत रखो, हमेशा परिवार को जोड़ने में विश्वास रखो। और हर औरत चाहती है कि उसका परिवार बसा रहे, टूटे ना। अभी आप लोग आ जाओगे मेरे मुद्दे पर लेके, मुझे मालूम है, क्योंकि यहाँ पे बहुत से कमेंट्स ऐसे आते हैं कि मैडम आपका भी तो परिवार टूट गया। तो मेरा परिवार देखो, मैं फिर यही बोलूँगी, ताली दोनों हाथ से बजती है। तो मैं अपने में भी ये नहीं बोलूँगी कि मेरे मैटर में भी मेरी कोई गलती नहीं हुई होगी या रेखा के मैटर में भी रेखा की कोई गलती नहीं हुई होगी। हाँ, थोड़ा रेशो कम ज़्यादा हो सकता है लड़ाई झगड़े का, क्योंकि औरत सहनशील बहुत होती है, बहुत हद तक सहती है, उसके बाद अपना मुंह खोलती है। लेकिन आदमियों में ये सहनशीलता नहीं होती है ना। तो ये चीज़ हो सकती है। मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे परिवार टूटने मेरी कोई गलती नहीं होगी, हुई होगी मेरे से भी कुछ ना कुछ, क्योंकि मेरा जो पैशन लेवल है बहुत मतलब डीप है, मैं ये बताऊं। लेकिन जब हद से ज़्यादा सर से ऊपर बातें जाती हैं तो ही मैं फिर बोलती हूँ, अदरवाइज मैं बहुत चुप रहती हूँ। कि हो सकता है इस ऐसा करने से हमारा परिवार अच्छा हो जाए, हमारा परिवार सुधर जाए, ये सारी चीज़ें। तो मेरे लाइफ में भी यही हुआ था, बहुत हद तक सहन करी, 14 साल तक सहन करी। लेकिन जब सामने वाला बंदा सुधरने की कोशिश ही नहीं कर रहा था, बल्कि दिन दिन पे दिन सारे हालात बिगड़ते जा रहे थे,
मेरे रहते उनने शादी भी कर ली दूसरी, तो वो सारी चीज़ें फिर कहीं ना कहीं अंदर चुभने लगी थी कि यार यही लगता था कि कमी क्या है हम में, है ना, कमा रहे हैं, देखने दिखाने के अच्छे हैं, सब कुछ है, तुम्हारा मकान भी बनवा दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन वो आदमी, और उनमें सिर्फ मैं नहीं बताऊँ, मैं नहीं कहूँगी वो दिल के ख़राब थे, है ना, वो दिल के ख़राब नहीं थे, बस जो हम आप लोगों को बता चुके हैं कि हमारे घर का माहौल कैसा था, हमारी मदर इन लॉ कैसी थी, मेन रीज़न वही था कि वो दिन रात उन सब चीज़ों के कारण वो ड्रिंक करते थे, है ना, और ड्रिंक कर करके कर करके ना उनने कभी कमाने की सोची, ना परिवार को जोड़ने की सोची, कुछ नहीं किया, और एट लास्ट वो इस दुनिया से चले गए। तो क्या करके गए आप ये खुद बताइए, आज अपन लोगों ने जन्म लिया है इस धरती पे, तो कुछ तो मिसाल कायम करके जाओ, धरती पे बोझ बन के जीने से कोई मतलब का नहीं है, है ना, तो यदि आए हो दुनिया में तो कुछ अपना नाम करो, कुछ अच्छा नाम करो, और क्या, बाकी तो सब जी रहे हैं ना, ऐसे तो कीड़े मकोड़े भी जी रहे हैं, तो अपन लोग कीड़े मकोड़े तो थोड़े ही है, यदि इंसान भगवान ने अपन को मानव शरीर दिया है तो उसका फुल यूटिलाइज करो, फुल उसको ऐसे यूज करो कि अपना आपका नाम बुलंदियों तक पहुंच जाए, तो अपना व्यवहार इस तरीके का रखो, अपना मेहनत इस तरीके की करो कि आप लोग ऊंचाई तक पहुंच पाओ। तो चलिए अभी बात हम कर रहे थे पहले रेखा को लेके, तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, इसलिए बार बार ये मत बोलो कि दीदी हम आपको तो पसंद करते हैं लेकिन रेखा को पसंद नहीं करते हैं। यदि आप लोगों को बहुत सी सच्चाइयाँ जब पता चलेंगी तो हो सकता हो कि आपका भी मतलब जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ये नहीं कहूँगी 100% रेखा सही है, मैं नहीं कह रही हूँ, रेखा की भी गलतियाँ हैं, यदि चलिए चलो ये मान लो कि रेखा की गलतियां ज्यादा होंगी, उसके पति की कम होंगी, लेकिन गलतियां तो दोनों साइड से हुई होंगी ना, ऐसा नहीं हो सकता कि ऑलवेज प्रदीप जो है वो सही रहे होंगे और रेखा नहीं, रेखा ही गलत रही होगी, ऐसा भी नहीं होता। रेखा का पैशन लेवल मैं यहाँ से समझ चुकी हूँ कि वो जो मतलब अभी जो हाल फिलहाल वो रह रही है, जिस तरीके से वो सारी चीजों से सरवाइव कर रही है और बिल्कुल पेशेंसली रिप्लाई देना सब कुछ, उससे मुझे समझ में आया कि यार बंदी में कुछ तो है अंदर जो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है ना। हो सकता हो मुझे समझ में आया हो, आप लोगों को नहीं आया, और हम जैसे किसी और भी बहुत से बंदों को समझ में आया होगा, है ना, जो उसका साथ दे रहे हैं, और साथ सिर्फ इसलिए मिलाने के लिए, क्योंकि देखो जब कोर्ट में भी केस जाता है ना डाइवोर्स का, आप लोगों को मालूम होगा कि जब कोर्ट में जाएगा डाइवोर्स का केस तो जो जज रहते हैं ना, कोर्ट भी 6 महीने का टाइम देती है हस्बैंड वाइफ को सोचने का, तब जाके डिक्री जो इसकी डिक्री रहती है ना डाइवोर्स की, तब जाके पास होती है, एकदम से कोर्ट नहीं है कि आपने डाइवोर्स का केस दायर किया और आज ही आपको डाइवोर्स मिल जाएगा, उसके लिए भी आपको 6 महीने सोचने समझने का दोनों पक्षों को टाइम दिया जाएगा। हो सकता है उस टाइम में आप लोगों को समझ में आ जाए, यदि आपका मैच्योरिटी लेवल अच्छा है तो आपको समझ में आ जाए कि नहीं यार हमारे रिश्ते अब सुधर सकते हैं, और ऐसे बहुत से केसेस हैं कि डाइवोर्स होने के बाद भी औरतें हुए आदमी हुए वो आपस में फिर से शादी कर लेते हैं और फिर से रहने लगते हैं, सेम कपल फिर से साथ रहने लगता है, ये चीज़ मैंने बहुत जगह पढ़ी हुई है, बहुत जगह देखी हुई है कि ऐसा होता है, तो फिर कोर्ट इसलिए ही तो टाइम देती है सामने वालों को कि यार हो सकता हो इनको सोच के लगे कि नहीं यार हम अलग नहीं रह सकते, और फिर जब जिसकी वर्स्ट कंडीशन हो जाती है तो फिर तो आखिरकार तलाक हो ही जाता है। लेकिन यहाँ पे अपन लोग ये कोशिश करेंगे, मैं आप सबसे विनती करूँगी, मेरे को गलत मत समझो प्लीज़, मैं हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ आप लोगों से कि मेरे को गलत मत समझो, मैं गलत नहीं हूँ, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रही हूँ, मैं कोई रेखा का, कल भी जब मैं उसकी लाइव में आई थी बहुत सारे लोग लिख रहे थे कि मैडम आप रेखा का साथ मत दो, रेखा यार रेखा कोई बहुत बड़ी क्रिमिनल है क्या आप लोग ये बताओ, क्या उसने मर्डर वर्डर कर दिया किसी का, या किसी की हत्या करके कुछ ऐसा मतलब चोरी कर ली, डाका डाल दिया, क्या कर दिया है? इंसान को हमेशा सुधरने का भी मौका देना चाहिए, हमेशा ये नहीं कि यार उसने किया तो उसको टॉर्चर ही करते रहो हमेशा, उससे क्या होगा कि यदि आप इंसान को कंटिन्यू टॉर्चर करोगे ना किसी भी बात को लेके, तो वो फिर इंसान सुधरता नहीं, वो ये सोचता है यार सुनना ही तो है और हम सुनेंगे क्या जा रहा है, अब हम ऐसा ही करेंगे, जिस जिसके लिए हमें सुनाया जा रहा है वो ही काम हम बार बार करेंगे, ये चीज इंसान के मन में आ जाती है। तो मैं कोशिश करूंगी, आप लोग भी कोशिश करो कि यार पॉजिटिव रहो, बी पॉजिटिव,
ये नहीं कह रही हूँ कि आप लोग जाग जाके वहां पे गालियां दे रहे हो यार, कुछ भी गंदा बोल रहे हो, मेरे को भी बोल रहे हो। मुझे पता है ना, सब्सक्राइबर्स लोगों का ये चीज समझ नहीं आता, आप लोग जब गाली देते हो तो आप खुद भी आत्ममंथन करते हो कि आपके साथ क्या है, हैं? आप क्या बिल्कुल 100% प्योर हो? आपसे जिंदगी में कोई गलती नहीं हुई है? आप क्या भगवान हो जो यहाँ आके आप बोल रहे हो? गलतियाँ इंसान से होती हैं और ये उनकी फितरत होती है इंसान की, कि इंसान गलती करता है। कोई भी एक भी इंसान ऐसा नहीं होगा जिससे अपनी लाइफ में गलतियाँ नहीं हुई होंगी। मैंने एक बार एक वीडियो डाला भी था, तब मैंने बोला था कि मेरे उसमें कमेंट वो ही करे जिसने कोई गलती ना करी हो। क्या भाई साहब, भैया कंटिन्यूशन में कमेंट आते रहे, जैसे अपनी बिल्कुल सुपीरियरिटी दिखा रहे थे लोग कि हमने तो कोई कुछ नहीं किया है। तो ऐसा नहीं होता यार, सब लोग गलतियां करते हैं। इंसान है ना, गलतियों का पुतला होता है ना, और इंसान से ही गलती होती है। लेकिन यदि कोई उस चीज़ को रियलाइज कर रहा है तो हम लोग का फर्ज बनता है कि उस चीज़ को, उनको एक मौका दिया जाए, उनका हो सकता है परिवार बच जाए, उस बच्ची को बाप मिल जाए। बस यही मेरी है इच्छा, और बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि हम बहुत अच्छी। चलो ये सोच, तुम लोग कहते हो कि बहनें हैं वो आपकी छोटी है, ठीक है यार, बहन कहने में भी क्या है, मेरे से छोटी है तो मेरी बहन जैसी ही हुई है ना। ऐसे तो मैंने अलका को भी बोला था कि वो भी मेरी बहन जैसी है, मैंने उसको भी बोला था। लेकिन यहाँ तो लोगों का सोचने समझने का तरीका बिल्कुल ही ऐसा लगता है कि बिल्कुल आउट ऑफ ऊपर ही है, कंट्रोल के बाहर जाता है उन लोग का। तो मैं आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगी कि बैड कमेंट करने के पहले या कुछ भी लिखने के पहले एक बार जरूर सोचना कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। आया समझ में? कि जोड़ने में विश्वास रखो, तोड़ने में नहीं। यदि हमारी कोशिश से किसी का परिवार बसता है तो सो फॉर सो गुड यार, ऊपर नाम लिखा जाएगा हमारा, क्या हमारी वजह से किसी का परिवार मिल गया था, पूरा परिवार एक हो गया था, और क्या चाहिए यार। जिसके नहीं होते साथ में उनसे पूछो यार, आज हम अकेले रह रहे हैं, हमसे पूछो कि कैसा। कई बार ऐसा लगता है कि यार अच्छा नहीं लग रहा है, कई बार अकेलापन लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि अब किससे अपने मन की बातें कहेंगे, ये बताइए आप लोग। बहुत सी बातें ऐसी रहती हैं कि जो अपन अपने हस्बैंड से ही शेयर कर सकते हैं, लेकिन नहीं है ना, मेरी लाइफ में तो ऐसा कुछ है ही नहीं है। मुझे कुछ भी कहना है तो अपनी माँ से ही बोलना है या मेरी बेटी से ही बोलना है, और टच वुड मेरी बेटी इतनी अच्छी है कि वो मेरी सारी प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से हैंडल करती है। तो थैंक यू भगवान मुझे इतनी अच्छी बेटी देने के लिए। भले ही आपने मुझसे बहुत कुछ छीन लिया है, लेकिन बच्चे मुझे, मेरे माँ बाप मुझे इतने अच्छे दिए हैं कि शायद वो बिरले लोगों के पास होते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं मैं आज इतनी मतलब इस परिस्थितियों में भी मैं खड़ी हुई हूँ आप लोगों के सामने, और पॉजिटिव होकर, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव। और पता है, मैं सब लोग बोलते हैं ना कि मैडम आप अपने ऊपर इतना ध्यान देती हो, बहुत चटक मटक बन के रहती हो, यार मुझे अच्छा लगता है मैं सही होता हूँ। मुझे ऐसे गंदे तरीके से रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है यार, बिल्कुल भी नहीं। अच्छे से रहो, इंजॉय करो लाइफ को यार। भगवान ने देखो जो इंसान का जन्म दिया ना, वो अपन को नहीं मालूम अगले जन्म में अपन को क्या बनना है, नहीं मालूम ना, आपको भी नहीं मालूम होगा, हमको भी नहीं मालूम। तो जो जितनी जिंदगी बची है यार, इतने दुख दर्द में निकाली, आप क्यों ना एंजॉय करके निकाले, है कि नहीं? अच्छा, खूब हंसो, एक दूसरे से मिलो जुलो, पार्टी करो, और खूब एक दूसरे, मैं तो कह रही ना, फ्रेंड सर्कल इतना अच्छा होना चाहिए कि अपने सारे गम भूल जाए, ऐसा होना चाहिए फ्रेंड सर्कल। और मेरा है यार, सच में मेरे तो इतने अच्छे अच्छे फ्रेंड्स मिल गए, और आप लोग यूट्यूब पर भी कि मतलब मेरी हर परेशानी को आप लोग समझते हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। यूट्यूब पर मैंने बहुत कुछ पाया भी है, मैं सही बता रही हूँ। खोया तो खैर नहीं अभी तक, खोने के लिए एक बार जरूर लोगों ने कोशिश करी थी कि हमारा सब कुछ खो जाए, लेकिन उसमें भी वो लोग सफल नहीं हो पाए थे। क्योंकि मेरा, मुझे मालूम है कि मेरे बालाजी सरकार मेरे साथ हमेशा है, मेरे सुख में, मेरे दुख में। और कहते हैं ना कि ऐसे मुझे परेशानियों से बाहर निकाल लेते, मुझे ऐसा लगता है कि अब सब कुछ खत्म होने वाला है, लेकिन फिर उनका हाथ मेरे ऊपर आ जाता है कि नहीं मेरी बेटी, अब तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा, फिर तुम अच्छी हो जाओगी। तो ऐसा होता है यार, है ना। तो बी पॉजिटिव, मेरा आज का वीडियो बनाने का सिर्फ यही उद्देश्य है कि हमेशा पॉजिटिव रहो, है ना, नेगेटिव थिंकिंग मत रखो दूसरों के प्रति, और खुश रहो, मस्त रहो, और क्या चाहिए जिंदगी में, है ना। ठीक है,
तो चलिए बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों के साथ। और शाम का वीडियो बिल्कुल भी मिस नहीं करना, बहुत अच्छा वीडियो आप लोगों के लिए आने वाला है। तो चलिए अभी के लिए बाय बाय, नमस्कार।